Hello everyone, welcome back to another video of VG Visa Services, and this is the first time when I am revealing my face to everyone, and my name is Harinder Harry. So today we'll talk about letter जो letter High Commission की तरफ से Quebec के 10 colleges जो under scrutiny थे due to some bad recruitment practices. तो उन colleges के जो students हैं उनके लिए एक letter आई है High Commission से, पिछले 3-4 दिन से लगातार आ रही हैं. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट है जो हमें प्रेजेंट करने हैं टू हाई कमीशन. तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्स है वो मेजर दो तरह से कैटेगराइज किए गए हैं. जो फर्स्ट वन है दैट इज़ योर अपडेटेड स्टडी प्लान. राइट नाउ यहाँ पर कैटेगराइज हो जाते हैं स्टूडेंट्स. द फर्स्ट वन इज़ जिनकी AIP आ चुकी है और जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, एंड टाइप टू जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हैं परंतु उनकी AIP आ चुकी है. एंड द थर्ड टाइप, बेसिकली मैंने टाइप वन का A and B था जिनकी AIP आके जो क्लासेस लगा रहे हैं और क्लासेस नहीं लगा रहे हैं. एंड टाइप टू जिनकी ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं चल रही हैं और AIP भी नहीं आई है, जो कि सिंपल जिनकी फाइल जो है प्रोसेसिंग में चल रही है. यहाँ पर जो कन्फ्यूज़न है वो सबसे बड़ा बच्चों में, स्टूडेंट्स में बेसिकली ये है कि अपडेटेड स्टडी प्लान मीन्स क्या आपको अपनी कंप्लीट SOP फिर से लिखनी है. व्हाट एग्जैक्टली दे आर लुकिंग फॉर, उनको एग्जैक्टली क्या चाहिए आपसे एज अ स्टडी प्लान. बेसिकली स्टडी प्लान में ये रहता है, व्हाट आर योर फ्यूचर प्रोजेक्शंस आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ योर कोर्स. एंड आपके जो स्टडी, देखिए यहाँ पे जैसे आपकी AIP आ चुकी है एंड यू आर अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस, तो ऑनलाइन क्लासेस लगाने के बाद अब जो प्लान आपके एक साल पहले थे ऑब्वियसली वो तो अब नहीं होंगे, क्योंकि आपकी जो क्लासेस है वो कनाडा जाके तो नहीं लगी है. आप ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हो एक साल की, आपकी ऑलमोस्ट क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, आपके दो दो सेमेस्टर हो चुके हैं, आपके जैसे भी है आपकी क्लासेस जो है वो ऑलमोस्ट 50% हो चुकी है. तो इस केस में सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट रहती है वो अपडेटेड स्टडी प्लान. अपडेटेड स्टडी प्लान मीन्स जो आपकी प्रोजेक्शंस है, जो फ्यूचर प्रोजेक्शंस हैं वो ऑब्वियसली थोड़े बहुत उसमें चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि एज इट इज़ तो नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आपकी जो क्लासेस है वो एज़ पर योर एक्सपेक्टेशंस नहीं हुई हैं. तो इसमें आप स्टडी प्लान अपडेटेड के लिए आपको लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग होल SOP अगेन. This is my recommendation to go for a letter of explanation. See, this is my recommendation. I'm not claiming कि ये गलत है, ये सही है, but this is what I recommend and what I suggest. And apart from updated study plan जो major है, that is quite complicated, वो है funds. तो इसमें basically चार चीज़ों, इन्होंने एक जो point है उसमें चार subsections हैं. The first one is Who is funding? अब कौन आपकी एजुकेशन जो है वो फंड कर रहा है, पेरेंट्स कर रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स कर रहे हैं या सिबलिंग कर रहे हैं. अब इसमें इसको प्रूफ कैसे करना है कि ये आपको फंडिंग जो है ये कर रहे हैं या आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको एफिडेविट ऑफ सपोर्ट लगाना पड़ेगा विद योर जो आप फाइल तैयार कर रहे हैं उसमें आपको उनका एफिडेविट ऑफ सपोर्ट लगाना पड़ेगा. एंड जो इसके अंदर सेकंड पॉइंट है दैट इज़ रिलेशनशिप. रिलेशनशिप को हम प्रूव कर सकते हैं किसी भी ID से, और जो सबसे ज़्यादा रहता है वो पैन कार्ड या आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट. आप कोई भी ID प्रूफ अटैच कर सकते हो जहाँ पे पेरेंट्स का नाम आप मैच कर सकते हैं. एंड द थर्ड वन इज़ प्रूफ ऑफ इनकम. प्रूफ ऑफ इनकम में ITR, नथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट. ITR में जो एम्प्लॉयड हैं उनका फॉर्म 16, जो जिनका बिजनेस है उनका कंपटीशन ऑफ इनकम, और जो बाकी एग्रीकल्चर करते हैं उनका भी ITR जो है फिल होता है, और वो अपना ITR इसके साथ अटैच कर सकते हैं और करना पड़ेगा टू प्रूव योर इनकम. एंड इनकम के बाद उन्होंने इसी में जो फोर्थ पॉइंट जो बताया गया है दैट इज़ फंड्स फॉर लास्ट 6 months. यस, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट जो है वो अपनी बैंक की देनी पड़ेगी लास्ट 6 months की. और इसमें जो स्टेटमेंट है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपने ट्यूशन फ़ीस पे कर लिया, ट्यूशन फ़ीस आपने पे कर लिया फॉर एग्ज़ाम्पल $15,000 अपने कॉलेज का, एंड आपने $10,200 अपना GIC पे किया है टू कैरी आउट योर लिविंग एक्सपेंसेस. और दो आप कनाडा नहीं गए, आपके लिविंग एक्सपेंसेस यूज़ में नहीं आए, आपका GIC अकाउंट एक्टिव नहीं हुआ है, आपका GIC अकाउंट एज इट इज़ है, तो आपके $10,200 तो वहीं पे फिक्स हैं.
आपकी ट्यूशन फीस नो डाउट वो यूज़ हुई है, ट्यूशन फीस आपकी, बट आपका जो GIC है वो $10,200 या फिर $10,000 वो आपका बिल्कुल एज इट इज़ है, उसको अभी तक कोई भी यूजेज नहीं हुआ है GIC का। एंड इसके अलावा जो आपकी आई एम कमिंग बैक टू द पॉइंट कि सेविंग अकाउंट में आपको जो फंड शो करने, फॉर एग्जांपल आपके फंड्स नहीं है, आपने ट्यूशन फीस पे कर लिया, आपके अकाउंट में फंड्स हैं ही नहीं, तो इस केस में व्हाट यू कैन डू, आपके जो अकाउंट है उसमें आप जो है फंड्स जो है वो इमीडिएटली डलवा सकते हैं, क्योंकि जब पुराने फंड्स नहीं है तो एटलीस्ट अभी तो इसको कवर अप कर सकते हैं कि 6 मंथ्स की पुरानी स्टेटमेंट दे दो और फंड्स जो हैं वो आप रिसेंट डाल सकते हैं, कुछ भी अमाउंट आप 5 to 8 lakhs के बीच, तो आपको एक शो करने के लिए रहेगा कि आपके अकाउंट में इतना अमाउंट है जो कि आपकी स्टडीज़ को स्पॉन्सर कर सकते हैं, आपके एक्सपेंसेस को वहाँ पे बियर कर सकते हैं। जो लास्ट है वो सिर्फ तभी यूज़ होगा अगर आपने अपनी सर्विसेज के लिए किसी एजेंट को हायर किया या किसी पेड रिप्रेजेंटेटिव को हायर किया। यहाँ पे दो फॉर्म है, दोनों फॉर्म उसी केस में जहाँ पर आपने एजेंट को हायर किया हो, क्योंकि यहाँ पे एक पेड इंडिविजुअल है और दूसरा एक एजेंसी के फॉर्म है। इन केस आपने सेल्फ सबमिशन किया है तो सेल्फ सबमिशन में ऐसा कोई भी केस नहीं है, सो यू कैन चेक इन योर GIC कि आपका जो सबमिशन है वो सेल्फ हुआ है। अगर सेल्फ हुआ है तो देयर विल बी नो यूज़ ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सबमिशन लेटर फ्रॉम एजेंट। अगर आपका सबमिशन किसी एजेंट से हुआ है तो वहाँ पर आपको यूज़ ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फाइल भी देखने को मिलेगी एंड आपको लेटर फ्रॉम एजेंट भी देखने को मिलेगी। आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा सा इजी किया होगा इससे कि कैसे आपने जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन करना है, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वेस्ट आ रही है बेसिकली क्यूबेक के स्टूडेंट्स को, तो उनको कैसे इस चीज़ से इजीली जो सामने आना है, तो इतना कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आप सबको ये पॉइंट समझ आ गए होंगे। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, अपडेटेड स्टडी प्लान को लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन से आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो बिकॉज SOP आपकी पहले लग चुकी है, सो ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि आपको बार बार SOP बनानी है। पॉइंट नंबर 2, फंड्स के लिए आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है, उनके ID प्रूफ्स, उनका रिलेशनशिप प्रूफ, उनका एफिडेविट और उनकी लास्ट 6 मंथ की बैंकिंग और बैंकिंग में फंड्स। फंड्स अगर 6 मंथ्स पुराने नहीं हैं तो रिसेंट फंड्स आप उसमें डलवा सकते हो, 5 to 8 lakhs जो भी अमाउंट अप्रॉक्स आप रख सकते हो उसमें। और इसके अलावा जो थर्ड है वो बहुत सिंपल है, अगर आपने एजेंट हायर किया है तो आप यूज़ ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या पेड रिप्रेजेंटेटिव का जो फॉर्म है वो लगवा सकते हो, नहीं किया है तो वो मैंडेटरी या रिक्वायर्ड नहीं है। आई होप यू ऑल गाइज लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक देन डोंट फॉरगेट टू हिट सब्सक्राइब बटन एंड लाइक सो कर दीजिए। एंड इसी के साथ में आई एम एंडिंग दिस वीडियो एंड कमिंग बैक विद अनदर वीडियो।